घटना थाना दन्नाहार क्षेत्र के नगला मान सिंह से जुड़ी है। यहां के रहने वाले नेत्रपाल की 17 वर्षीय किशोरी प्रियंका ने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में उस समय फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली जब घर में कोई नहीं था। मां राशन के लिए राशन की दुकान पर गई थी, पिता काम पर गए थे। मृतका से मां साइकिल लेकर राशन की दुकान पर आने की कहकर गई थी, लेकिन मृतका वहां नहीं पहुंची। मां ने जब वापस आकर देखा तो ऊपर के दरवाजे बंद थे। कई बार आवाज लगाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो पड़ोस की दूसरी लड़की से नसेनी के माध्यम से छत पर भेजा। जब उसने प्रियंका को पंखे पर लटकता देखा तो उसकी चीख निकल गई, घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। महज चंद समय में ही मृतका ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर वाले इस बात पर हैरान थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर मृतका ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के सब को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। वहीं घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतका आपकी कौन है? भतीजी। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? घर पे कोई नहीं था, माँ गई थी राशन लेने के लिए, फादर यहाँ पर आरा मशीन पे काम करते हैं और जो बहू थी इनकी वो कंडापात में चली गई थी, लड़की घर पे अकेली थी और माँ बोल के गई थी कि आप साइकिल लेके आ जाना, राशन जगवीर के यहाँ से राशन ले रहे तो राशन ले आना। वो पहुँची नहीं, वो घर पे आई, घर पे आकर के उन्होंने कुंडी खटकाया तो कुंडी अंदर से बंद थी। बंद होने के बाद उन्होंने एक पड़ोस की बिटिया को बुलाया, जिस बिटिया को पीछे से नसेनी लगा करके उसको ऊपर चढ़ाया, जो देख करके वो घबरा गई और नीचे आके उसने ऊपर पंखे का कुंडा है, पंखा नहीं लगा था, उस कुंडे में दुपट्टे का फंदा बना के और लटक गई। क्या कोई वजह रही, कोई वजह क्या वजह? कोई वजह का पता ही नहीं चला है। जब किसी से कोई बातचीत होती कोई पता चलता, मैं भी मेन फील्ड में रहता हूँ, कोई वजह नहीं पता चला।